नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय हिंदी काव्य ग्यारह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है काव्य हमने समझ लिया था। आज इसके विकल्प और काव्य पंक्तियां प्रश्नोत्तर को देखने की प्रयत्न करेंगे। तो विकल्प आप देखिए, तो पहला विकल्प है भारतवर्ष का अस्तित्व तब से जब नव के घने स्वप्न जगे थे खाली जगह में आएगा, विकल्प में सृजन। दूसरा है करोड़ों कंठों से क्या आवाज होगी, उसका उत्तर है भारतवर्ष हमारा है। तीसरा है हिंदुस्तान के प्रति जनता का अभिमान कब से है, तो उसका उत्तर है युगो से। चौथा है नवयुग के नयनों में क्या भरा है, तो उसका उत्तर होगा अग्नि के जलते हुए। पांचवा है भारत तब से है जब से खाली जगह ने लहराना सीखा था, तो उसका उत्तर है जलधि। अब आप दूसरा प्रश्न उत्तर देखें, तो प्रश्न उत्तर पहला है हिंदुस्तान हमारा है स्वनारा किसकी और कब से है, तो उसका उत्तर है हिंदुस्तान हमारा है स्वनारा हमारे देश में रहने वाले कोटि कोटि यानी करोड़ लोगों की है, जब से पृथ्वी और आकाश का उद्भव हुआ था यानी उन्होंने निर्माण हुआ था, और जब से तारों में तारे छिपके थे, तारे टमटमाते थे, सूरज चांद बने थे, तब से हमारा देश का अस्तित्व है। दूसरा प्रश्न है कवि बालकृष्ण रवि भारत के लिए क्या कहते हैं, तो वह कहते हैं कि ये हमारा देश भारत देश बहुत प्राचीन है, अनादिकाल से यह हमारा जन्म स्थान है, और इसकी गर्जना को सुनकर दुश्मनों के हृदय सिहर उठते हैं, डर जाते हैं और उनका सामना कोई नहीं कर सकता। भारतवर्ष हमारा है यह स्वधारा किसकी है, यह प्रश्न का उत्तर होगा भारत में करोड़ों लोग रहते हैं, भारतवर्ष के सभी लोग भारतवर्ष हमारा है इसका स्वर बताते हैं, और ये स्वरधारा भारत के करोड़ों लोगों की है। तो नव सृजन के स्वप्न कब से जगे, जब से भारत के देश के निर्माण में अनेक कल्पनाएं हमारे हृदय में उठी थी, देश का के वो तो विशाल और सुंदर विद्वानों की रचना हुई थी, विद्वानों की रचना हुई थी, मंडपों की रचना हुई थी, और आकाश में असंख्य तारे छिपके थे, सूरज चांद अस्तित्व में आए थे, तब से यह हमारा देश हमारा है। भारत कभी भारत का प्रति पक्षी यानी प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, तो भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए हुए बैठे अपने अंग्रेजों के खिलाफ था, कभी उन्हीं को भारत का प्रति पक्षी मानते हैं। करोड़ लोगों के उत्साह भरे वचन क्या थे, तो यह भारत देश हमारा है। दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो हमारे देश का सामना कर सकता है, इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर आप अपने नोट में लिखिएगा, ये आपके लिए बड़े सारे है। दूसरा है कि ये काव्य पंक्तियों का भावार्थ, तो कवि कहते हैं कि समुची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारत पर समा रहा है, ये हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है यानी पुकार रही है, देशवासियों के ये उत्साह भरे वचनों को सुनकर दुश्मनों भी डर जाते हैं, दिल जह जाते हैं, और आज के नवयुग की देशवासियों की आंखों में शोले भरे हुए हैं, दुश्मनों के प्रति क्रोध है, उनका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है, और ये कभी कहते हैं कि हमारा देश महान है और हमारा देश भारतवर्ष महान है। ये काव्य पंक्तियों का भावार्थ दैन के गरज के 42 करोड़ जन और यहाँ से लेकर हिंदुस्तान हमारा है, ये भी लिखिएगा और प्रश्न उत्तर भी लिखिएगा। सुंदर अक्षरों में